एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेट का बढ़ना और घटना तो चलता रहता है। क्या है ना कि लाइफ में ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। मैं तो यही फिलॉसफी फॉलो करती हूँ। मेरा मतलब है, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, थोड़ा जंक फूड अवॉइड करिए। जंक फूड से क्या होता है कि मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में दूसरी बीमारियां भी हो जाती है, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी एक्सेट्रा। तो अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, साथ में एक्सरसाइज जरूर करिए, कोई भी, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, योगा, जो भी आपको पसंद है वो करना चाहिए। क्या है कि उम्र के साथ थोड़ा सा बॉडी फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है। मोटे या पतले से फर्क नहीं पड़ता है, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आज ये अमिता हेल्थ पे क्यों ज्ञान बांट रही है, वीडियो का तो टाइटल कुछ और ही था। तो चलो पॉइंट पर आते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, लाइफ में मोटा पतला तो चलता ही रहता है, लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है कपड़ों की प्रॉब्लम। आई एम श्योर आप सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपका वेट कम हो जाता है तो आपके कपड़े लूज हो जाते हैं, तो आप काम चला लेंगे उन लूज कपड़ों से, या थोड़ा बहुत आप ऑल्ट्रेशन करवा लेंगे, उनको टाइट करवा लेंगे, तो वो तो सब पॉसिबल है। उल्टा आपके मन में खुशी होती होगी कि वाह हमारा वेट कम हो गया। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आपका वेट बढ़ जाए और आपके कपड़े टाइट हो जाए, तब आप क्या करेंगे? मुझे पता है आप ऑल्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने कपड़े लूज करवा सकते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर उन कपड़ों में मार्जिन नहीं है तब आप क्या करेंगे? और खासकर जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनमें तो मार्जिन आता ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता, वो लोग क्यों नहीं मार्जिन देते। वैसे तो देखो देना चाहिए, अनफेयर है, राइट? अतः आप महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, फिर ना आप उनका ऑल्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, तो वो थोड़ा सा सही नहीं होता है। आज के वीडियो में आपसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया शेयर करूंगी कि अगर आपकी कुर्तीज टाइट हो गई हैं और उनमें मार्जिन नहीं है, तब आप उनका ऑल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कुर्तीज के बारे में बात करेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि कई कुर्तीज बहुत पुरानी नहीं होती हैं और आपने उन्हें ज्यादा पहना भी नहीं होता है, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है कि आपको उन कुर्तीज को ज्यादा पहनने का मौका मिला नहीं और वो टाइट हो गई है। तो बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, मेरा आज का आप वीडियो देखिए, शायद आपको कोई आइडियाज पसंद आ जाए और आपको अपनी पुरानी कुर्तीज को वापस से पहनने का मौका मिल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आपको अपनी कुर्ती को चेस्ट से लेकर हिप्स तक लूज करना है, तब आप क्या कर सकते हो, आप एक नया फैब्रिक लेकर और यहाँ साइड सेम में पट्टी इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी कुर्ती प्लेन है तो आप यहाँ पे साइड में प्रिंटेड कलर की फैब्रिक की पट्टी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट कलर की पट्टी ऐड कर सकते हो, या आप ऑपोजिट भी कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपकी कुर्ती प्रिंटेड है तो आप प्लेन कलर के फैब्रिक की पट्टी इंसर्ट कर सकते हो, तो इससे आपकी जो कुर्ती की विड्थ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी कुर्ती को नया लुक भी मिल जाएगा। और आप चाहे तो अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड में सेंटर में आप फैब्रिक का पैनल ऐड कर सकते हो, प्रिंटेड या प्लेन, वो तो आप अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो आप सेंटर में आप पैनल ऐड कर लो और उसमें आप सुंदर से कोई बटन्स दे दो, पोटली बटन्स देने हैं या कोई शो बटन्स देने हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो, तो उससे भी आपकी कुर्ती को थोड़ा सा विड्थ मिल जाएगा, उससे भी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी और एक सेंटर पैनल वाली स्टाइल की कुर्ती भी बन जाएगी। और एक और ऑप्शन है, अगर आपको सेंटर में पैनल नहीं देना है तो आप एक साइड में भी पैनल दे सकते हैं, कोई कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक की या प्रिंटेड फैब्रिक की, तो वो भी बहुत अच्छा लुक दे देगा आपकी कुर्ती को। इस पैनल वाले सोल्यूशन का एक और फायदा है, मतलब कि कुर्ती की विड्थ तो इंक्रीज हो ही जाएगी, साथ में एक स्लिमिंग इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, सबकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गई है ना। किसी भी आउटफिट में कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक के वर्टिकल पैनल्स देने से एक कलर ब्लॉकिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और बॉडी वर्टिकली डिवाइड हो जाती है, तो अगर आपके हिप्स एंड वेस्ट ब्रॉड हैं तो वो और ब्रॉड नहीं लगते हैं, है ना मजेदार ट्रिक। अब अगर आपकी कुर्ती पार्टी वेयर है या फिर आपको अपनी कुर्ती को पार्टी वेयर लुक देना है, तो आप साइड में फैब्रिक के पैनल के साथ कोई सुंदर से लेस या बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो, तो उससे आपकी कुर्ती को एक पार्टी वेयर लुक मिल जाएगा। और अगर आपके पास ए लाइन पैटर्न की कुर्ती है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, साइड में थोड़े से ज्यादा चौड़े पैनल्स ऐड कर सकते हो या ज्यादा नंबर ऑफ पैनल्स आप साइड में ऐड करवा सकते हो, तो उससे आपकी कुर्ती एक कलीदार कुर्ती में कन्वर्ट हो जाएगी और विड्थ तो इंक्रीज हो ही जाएगी और एक नया डिजाइन का कुर्ता बन जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। बस इस वाले प्रोसेस में आपको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी का फैब्रिक खरीदना पड़ेगा और स्टिचिंग में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा आपका खर्चा हो जाए, पर ये सब आपको डिसाइड करना है कि आपकी कुर्ती कितनी हैवी है या लाइट है या कितनी एक्सपेंसिव है या सस्ती है,
और कितनी नई या पुरानी, तो और आपको कितना इन्वेस्ट करना है उसके हिसाब से, तो ये सब आपको डिसाइड करना है। मैं तो आप सबको सिर्फ अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकती हूँ। आपको पता है ज्यादातर इंडियन फीमेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर पेयर शेप्ड का होता है। इसका मतलब है कि लोअर बॉडी ज्यादा ब्रॉड होती है अपर बॉडी से, तो जो कपड़ों का टाइट होना होता है वो वहीं से ज्यादा होता है। अब ट्रेनर बोलता है कि भैया भागो, भागने से क्या है कि हिप्स थोड़े कम होते हैं, घिसेंगे, पर मैं बहुत भागती हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत रनिंग करती हूँ, रोज सुबह रनिंग करती हूँ, लेकिन कहीं से कुछ घिसता ही नहीं है, हिप्स घिसते ही नहीं है। क्या करें, क्या आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं भी वही हूं, मैं भी आपके साथ ही हूं, तो आप बोल सकते हो, अपनी अपना दुखड़ा आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई नहीं, जब हिप्स घिसेंगे तब का तब देखा जाएगा, पता लगा हिप्स के घिसने तक आपकी कुर्ती है वो फट गई या फिर वो ओल्ड फैशन की हो गई, तो क्या है ना, चलिए नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं इसके लिए। अगर आपकी कुर्ती आपको चेस्ट से फिट आ रही है लेकिन वो आपको वेस्ट एंड हिप्स से टाइट है, तो आप एक गॉडेट इंसर्ट करवा सकते हो। गॉडेट एक ट्रायंगुलर फैब्रिक का पीस होता है जिसे हम किसी भी आउटफिट में कहीं कहीं पर इंसर्ट करवाते हैं एक एक्स्ट्रा फ्लेयर ऐड करने के लिए। तो ये गॉडेट आप अपनी कुर्ती के हिसाब से प्लेन, प्रिंटेड, कॉन्ट्रास्ट कोई भी फैब्रिक का लगवा सकते हो। कुर्ती के सेंटर में इंसर्ट करवा लो, इससे कुर्ती का जो वेस्ट एंड हिप्स एरिया का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपकी कुर्ती एक फ्रंट स्लिट स्टाइल की कुर्ती भी लगेगी। आप चाहे तो ये गॉडेट आप फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में सेंटर में इंसर्ट करवा सकते हो। इससे कुर्ती को एक नया लुक मिल जाएगा, एक न्यू स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी, एक एडिशनल फ्लेयर भी मिल जाएगा कुर्ती को और वो थोड़ी सी स्टाइलिश भी लगेगी। अगर आपकी कुर्ती ए लाइन पैटर्न की है तो आपको उसको हिप से तो लूज करना ही है, पर साथ में अगर आपको उसमें एडिशनल थोड़ा सा फ्लेयर ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें मल्टीपल गॉडेट्स ऐड कर सकते हो इक्वल डिस्टेंस में, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक बहुत सुंदर सी फ्लेयरी स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी। आप ये गॉडेट कुर्ती के फ्रंट में ना देके कुर्ती के साइड में भी दे सकते हैं, इससे भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुर्ती लूज तो हो ही जाएगी, साथ में एक वो साइड स्लिट पैटर्न की कुर्ती बन जाएगी। बस जब आप गॉडेट देने का सोचें तो आप जो उसका फैब्रिक का प्रिंट या कलर सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करें, एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। कोई मतलब थोड़ा सा डल ऐसा फैब्रिक परचेज ना करें, थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा अट्रैक्टिव या फिर कोई अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट शेड आप दें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे आई रियली लाइक दिस आइडिया ऑफ गिविंग गॉडेट्स टू आउटफिट्स, इससे कंप्लीटली एक न्यू डिजाइन ही मिल जाती है आपके आउटफिट को। नेक्स्ट, अगर आपकी कुर्ती आपको चेस्ट से टाइट हो गई है लेकिन वो हिप से ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कुर्ती के जो साइड सीम में सिर्फ चेस्ट से वेस्ट एरिया तक आप साइड में एक पट्टी लगा सकते हो और जो कुर्ती का साइड स्लिट है उसको और थोड़ा सा ऊपर तक ले सकते हो, तो एक नए स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी। और इस तरह की कुर्ती को अगर आप स्ट्रेट पैंट्स या फ्लेयर्ड पैंट्स या फिर फ्लेयर्ड स्कर्ट्स के साथ पहनेंगे तो ओवरऑल एक बहुत ही न्यू स्टाइल का लुक क्रिएट हो जाएगा। एक और आइडिया है, आप कुर्ती के साइड सीम में चेस्ट से लेके बॉटम तक दोनों साइड में आप एक गॉडेट फैब्रिक ऐड करवा लो, तो उससे आपका चेस्ट एरिया भी लूज हो जाएगा और फिर चेस्ट वाले एरिया में आप ऊपर से क्रिस क्रॉस पैटर्न में डोरी वाले टाइप्स बनवा लो और उन टाइप्स में बहुत सुंदर से टैसल्स लगा लो, तो एक बहुत सुंदर सी पार्टी वेयर कुर्ती रेडी हो जाएगी। मुझे एक्चुअली टैसल्स बहुत पसंद है, ब्लाउजेस में, कुर्तीज में, लहंगे में, एक आउटफिट को बहुत ही सुंदर सा प्रिटी सा लुक मिल जाता है, एक अलग ही चार्म ऐड हो जाता है आपके आउटफिट में। पर मुझे क्या है ना कि रेडीमेड टैसल्स इतने पसंद नहीं आते, वो रेडीमेड बीड्स या गोल्ड इस तरह के जो टैसल्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे हैंडमेड टैसल्स बहुत पसंद है। मैं जनरली अपने क्लाइंट्स के लिए या खुद के लिए जब टैसल्स बनवाती हूँ तो मैं उनका जो फैब्रिक होता है आउटफिट का, तो उन्हीं से ही टैसल्स बनवा लेती हूँ अपने कारीगर से, तो वो और ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आपको क्या पसंद है? नेक्स्ट, अगर आपकी कुर्ती स्ट्रेट पैटर्न की है और वो आपको ओवरऑल ही टाइट हो चुकी है, मतलब आपको चेस्ट से या शोल्डर से हिप से टाइट हो गई है, तो आप उसको फ्रंट साइड में सेंटर में से पूरा ओपन करवा लो और बहुत सुंदर से बटन्स लगवा लो, मतलब आपको शो बटन्स या पोटली बटन्स लगवा लो, तो वो एक फ्रंट ओपन स्टाइल की जैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर आप इस जैकेट को आपको सॉलिड कलर की कुर्ती या फिर आप ड्रेस के साथ उसको पहनिए तो वो बहुत ही स्टाइलिश लगेगा और एक कंप्लीट न्यू स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपको कुर्ती को पूरा ओपन नहीं करना है तो आप फ्रंट साइड में सेंटर में वेस्ट से लेके और बॉटम तक आप उसको कट करवा लो, तो वो एक फ्रंट स्लिट स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी। और फिर आप इस तरह की कुर्ती को एक सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ आप पहन सकते हो या फिर आप स्ट्रेट फिट पैंट्स के साथ पहन सकते हो, और ये जो स्टाइल है वो बहुत अभी ट्रेंड में भी है।
और सेंटर में ना करवा के आप इस स्लिट को आप साइड में भी दे सकते हो, तो वो एक साइड स्लिट स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी और वो भी एक स्ट्रेट फिट पैंट्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी। बस इस फ्रंट स्लिट या साइड स्लिट स्टाइल की कुर्ती में आपकी कुर्ती सिर्फ आपको वेस्ट एंड हिप से लूज होगी। नेक्स्ट, अगर आपकी कुर्ती की स्लीव स्ट्रेट पैटर्न की है और वो टाइट हो गई है, तो आप कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लेके यहाँ साइड में एक पट्टी ऐड करवा सकते हो या फिर आप गॉर्डेट ऐड करवा सकते हो, और उसके ऊपर आप कोई सुंदर सी लेस या बटन्स लगवाकर कुर्ती का जो स्लीव्स का लुक है वो आप एनहांस कर सकते हो। और एक और आइडिया है, आप चाहे तो स्लिट दे सकते हो स्लीव्स में, तो उससे भी आपकी स्लीव्स लूज हो जाएगी और स्लिट आपको जितना भी देना है अपने हिसाब से देख लो, आपको ज्यादा ऊंचा देना है या सिर्फ इतना सा देना है, और उसमें आप फिर आप पाइपिंग लगवा लो कोई कॉन्ट्रास्ट कलर की, तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है स्लीव्स को स्टाइलिश लुक देने का और लूज करने का। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये ऑल्टरेशन के सोल्यूशंस हेल्पफुल लगे और आपकी जो टाइट फिट कुर्तीज हैं उन्हें आपको ठीक करने का कोई ना कोई तो आइडिया मिल ही गया होगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। बाय बाय एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट।